एनडीआर की फटाफट की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ। आरजेडी के लाठीबाज विधायक की दबंगई सामने आई, कहा मारते लाठी देह तोड़ देंगे। गलती से भी कि कोई कर्मचारी किसी के साथ कोई अलवर बोला है, बुखार छोड़ा देंगे। हम फिर भूल जाएंगे कि आप जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम कुछ बोले हमारे लोगों के साथ किसी भी तरह। पूर्णिया में शिक्षा विभाग में गड़बड़ झाला, करीब 300 नियोजित अभ्यर्थियों को 6 माह बाद किया गया रद्द। शिकायत करने गई महिला कर्मचारी से थानेदार ने कहा अपने बाप को भी बुला के लाओ। बिहार में जनवरी महीने बैंक खाते में आएंगे 40,000 रुपए। ग्रामीण विकास विभाग ने तीनों किश्तों को मार्च तक भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया। चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद गए हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। बिहार में फिर से एक बार लॉकडाउन की तैयारियां हो रही है, डीएम को फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। अभिभावकों से मिलकर विधायक रश्मि वर्मा ने किया शॉर्ट आउट, कहा ठीक हो गया है सब कुछ। तेज प्रताप यादव ने कर दिया साफ, कहा हमने नहीं मांगी है विधान परिषद में राजद से 6 सीटें। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को फिर दिया झटका, राजद ने तय किए विधान परिषद के 9 प्रत्याशी। मुंगेर के तारापुर में नगर पंचायत क्षेत्र के गाजीपुर में 2 पक्षों के बीच में जम करके रोड़ेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भागलपुर में बालू तस्करों के विरुद्ध भागलपुर पुलिस का डंडा चला, अवैध लदे 6 ट्रैक्टर और 1 मिनी हाईवा जब्त करके उनके साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियार के बल पर बंधन बैंक कर्मी से 71,000 रुपए की लूट की गई। 6 से 3 बाइक वाला आ रहा था, हम कलेक्शन लास्ट ग्रुप का कलेक्शन करके आ रहे थे, उसी समय पीछे से धक्का दिया बाइक में, हम गिर गए रोड पे। उसी समय बीच का मतलब पीछे से 2 आदमी उतरा बाइक से, तो बीच वाला आदमी निकल के हमको थिनर दिखाया, थिनर दिखाने के बाद मेरा बैग छीन के भाग गया। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी सराय मोड़ बाजार समिति के पास पीपल के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। आज के बिहार की फटाफट की खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।